ईडी के ऑफिस सुशांत सिंह राजपूत के यहाँ काम करने वाले दीपेश सावंत पहुंचे हैं और उनका बयान जो है ईडी दर्ज करेगी। दीपेश उस समय घर पर मौजूद थे जब सुशांत का निधन हुआ और उसके बाद जो है बिहार पुलिस भी उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना चाह रही थी, लेकिन उस दौरान जो है दीपेश उनके हाथ नहीं आए। लेकिन अब जो है वो ईडी के ऑफिस पहुंचे हैं कुछ देर पहले और उनका जो है बयान अब ईडी दर्ज करेगी। दरअसल ईडी ने मुंबई पुलिस से उन सभी 56 लोगों के स्टेटमेंट भी मांगे हैं जो मुंबई पुलिस ने अभी तक दर्ज किए हैं। ईडी ने दो लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने मुंबई पुलिस से ये कहा है कि आप हमें जितने भी लोगों की आपने स्टेटमेंट दर्ज की है, मुंबई पुलिस का ये दावा है कि उन्होंने 56 लोगों के स्टेटमेंट दर्ज किए हैं, तो उन्होंने कहा है कि हमें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डाटाज आपने कलेक्ट किए हैं, डिजिटल डाटाज वो, और जितने लोगों की स्टेटमेंट आपने दर्ज की हैं वो सभी की जो है डुप्लीकेट कॉपी जो है हमें एक प्रोवाइड कराई जाए। और अब जो है आज सुबह जो है रजत जो कि उनके यहाँ ऑफिस में पूरा ऑफिस मैनेजर का काम करते थे, लेन देन का काम करते थे, उनका और अभी जो है दीपेश सावंत उनके ऑफिस में पहुँचे हैं ईडी के ऑफिस में, उनका बयान जो है ईडी दर्ज करेगी। तो अहम पूछताछ है, ये दोनों दीपेश उसी समय घर में मौजूद थे, उन्होंने दीपेश सावंत उस समय तक थे जब तक सुशांत के आखिरी दिन तक उस घर में थे, रिया थी उस घर में, तो वो अपने सामने उन्होंने किस तरह की लेन देन को देखा है, किस तरह से फाइनेंशियल चीज़ें कंट्रोल होती थी, किस तरीके से घर में फाइनेंशियल चीज़ों का कंट्रोल कौन रखता था, उनका किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट था, क्या सैलरी थी, कैसे मिलती थी, चेक में मिलती थी या फिर कैश में मिलती थी, इन सारी चीज़ों को लेकर दीपेश सावंत का बयान जो है दर्ज किया जाएगा।